ढूंढ तो लिया है तूने मारे को, पर इसके आगे कुछ ना कर पावेगी। वैसे भी आज तक कुछ नहीं कर पाई है तू, और आज के बाद करने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। जब तक ये खंजर मारे हाथ में है ना, हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ सके। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। वेलकम एवरीवन। एंड थैंक यू हमारी इस खुशी में शामिल होने के लिए। मले और वरदान की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत विलेंस आए, बहुत प्रॉब्लम्स आए, पर क्लाइमेक्स में आखिरकार प्यार की ही जीत हुई। इन्होंने हर मुश्किल पार की, पर कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तो चलिए ये आपको दिखाते हैं मले और वरदान की एक छोटी सी प्रेम कहानी विद अ ट्विस्ट। ये कैसी लड़की है, इसका मैं क्या करूं, इससे मैं क्या कहूं। ये लड़ता है, अकड़ती है, झगड़ता है, बिगड़ती है, दीवाना है, दीवानी है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। कॉफी पीने चलेंगे, मैं आपको घर छोड़ दूं, फिर कब मिलेंगे। बिखरा बिखरा बेमतलब सा टूटा फूटा जीना, और कहते हो अलग से है हम तान के अपना सीना। इसलिए लड़कियां लड़कों सी नहीं होती। ए, कह दो के तुम मेरे दिल में रहो, कह दो के तुम मुझसे दोस्ती करोगे। देखूंगी सोचूंगी कल पर सब कुछ कहूंगी। तुम भी तो हो दोस्त मेरी, तुम तो मेरा साथ दे दो, अपनी सहेली वैसे वाला लव, इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव
ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला ना अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला ना अनहोनी को होने से कोई ना रोक सके ना तू ना वो विश्वकन्या कल एक मौत तो निश्चित है वो मारे हाथों से होगी तक जवानी छुपाओगी रानी अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी कवारों को कितना सताओगी रानी कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी तक मेरा एक भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बना ना स्कूल में ना कॉलेज में क्योंकि जितना अजीब मेरा नाम था उतनी ही अजीब मेरी हरकतें सब मेरा मजाक उड़ाने में ही बिजी रहते थे तो लगता है अब कुछ बदलने वाला है शिव जी ने मुझे प्यार के साथ साथ एक बेस्ट फ्रेंड भी दे दिया तो मैम आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेंगी वरदान तुमने पूछने में देर कर दी क्योंकि मैं तो पहले से ही तुम्हारी दोस्त बन चुकी हूँ एट योर सर्विस मैडम तो ठीक है इस दोस्ती के नाते मुझे एक प्रॉमिस करो कि मैं कभी भी तुमसे कुछ मांगू तो तुम मना नहीं करोगी प्रॉमिस प्रॉमिस मले प्रदान ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए गिफ्ट है आओ वरदान वाओ इट्स ब्यूटीफुल थैंक यू अप्पू तो आग लग गई अप्पू अप्पू तुम ठीक तो हो कैसे 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 हुआ शादी सही मायनों में आज होगी मल्ले की रजामंदी और उसके प्यार से
आज मले मेरे हो जाएंगे। आज मले वरदान का हो जाएगा, अपने प्यार का। हे भगवान, बस ये शादी अच्छे से हो जाए। तुम भी ना पूछो, सब अच्छा होगा। नौ बज गए, मामूनी अभी तक नहीं आई। मारे को कस्तूरी को मारने वास्ते आई थी ना? है दादी की ना, अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आज मारे हाथों कस्तूरी के हाथों एक मौत तो निश्चित है। उनमन मासी तो कह रही है कि उनकी मां से कल से कोई बात ही नहीं हुई, तो फिर मामूनी है कहां? अभी तो थारी माँ को सिर्फ कब्र में दबाया, जिंदा एक घंटे में ये कब्र भरने लगेगी, और फिर थारी माँ का क्या होगा? थारी को पता है ना, एक घंटा है थारे पास अपनी माँ को बचाने के लिए। मारी विश करने कस्तूरी, अपनी मामूनी को तो मैं बचा लूंगी कस्तूरी, पर अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा?
सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। यस मैम। मल्ला ने तुम लोगों को यहाँ पर मित्तल मैंशन की सिक्योरिटी के लिए रखा है ना? जी। तो मित्तल मैंशन को जिससे सबसे ज्यादा खतरा है वो है ये, इसका नाम कस्तूरी है। ये मित्तल मैंशन के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। चाहिए जी। अपू, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी टेंशन में क्यों? कुछ नहीं वरदान, वो मैं सिक्योरिटी वालों को यही समझा रही थी कि आज वीवीआईपी गेस्ट आएंगे ना, तो उनका अच्छे से ध्यान रखना, यही बस। झूठ मत बोलो, बात कुछ और ही है। और तुम इन गार्ड्स को किसकी तस्वीर दिखा रही थी? अपू, तुमने हम दोनों को दोस्त कहा ना, और दोस्त झूठ नहीं बोलते, तो बताओ क्या बात है? अप्पू बोलो क्या बात है? फरदान, माँ कल रात से गायब है, पता नहीं वो कहाँ है, और अभी ये लेटर और ये फोटोस, मुझे पता है ये किसने किया। कस्तूरी? हाँ फरदान, हमने बहुत बड़ी गलती की कस्तूरी को जिंदा छोड़कर। मुझे जाकर मामूनी को बचाना होगा और इस कस्तूरी का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। फरदान, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं वरदान, आज तुम्हारी शादी है, मैं सब संभालूंगी। अरे पर तुम जाओगी कहाँ? और ये कब्रिस्तान है कहाँ? पता नहीं वरदान, पता नहीं उसने मामूनी को कहाँ रखा। ये देखो, शहर में ना जाने कितने कब्रिस्तान हैं, और मेरे पास सिर्फ एक घंटा बचा है। इस तस्वीर को देखो, इन पेड़ों को देख रही हो? ऐसे पेड़ सिर्फ सुंदरनगर में, हो सकता है ये कब्रिस्तान वही हो। थैंक यू वरदान। और वरदान मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान मुश्किल में नहीं डालोगी, अपनी शादी मुश्किल में नहीं डालोगी, तुम्हें मेरी कसम है वरदान। मैं चलती। मौत आ गई और बेचारे की बेटी ना आई, पर आबेगी, जरूर आबेगी। मां को बचाने खातिर बेटी तो जरूर आबेगी। मेहरबानी थारी, थारी वजह से ही तो शिकार खुद। वहाँ कोई अनहोनी होने वाली है, इसे ना कोई टाल सकता है ना कोई बचा सकता है। शादी होगी या सबकी बर्बादी,
ये तो विधि का विधान ही बताएगा। मेरी उपू नहीं, माँ खाली मेरे उपू की रक्षा करना, चाहे मेरी जान भी चली जाए, मेरी उपू को यहाँ मत आने देना। उपू कुछ भी हो जाए, इस जाल में मत फंसना।